मेरी शक्ल बहुत बोरी है ना, रुको। अच्छा अभी सही है। हाय, गुड इवनिंग। हाय, अच्छा तुम्हें स्टोरी सुनाऊं? स्टोरी स्टोरी सुनोगे? हाय, हाँ आज क्या हुआ, हमारे घर के पास सात आठ कुत्ते एक बिल्ली के पीछे झपट रहे थे। तो बिल्ली मेरी कार के जहाँ बोनेट होता है ना, बोनेट के नीचे जाके छुप गई। जो व्हील होते हैं और व्हील के पास जो जगह होती है, टायर के पास जो जगह होती है, उसके नीचे से अंदर घुस गई और जाके वहां बैठ गई इंजन के पास, बैटरी के नीचे। तो मतलब मैंने तो नहीं देखी ये चीज, लोगों ने देखी, जिन लोगों ने उसको कुत्ते से छुड़वाया था वो अंदर घुस गई। अब उन्होंने मुझे बुलाया कि मैडम आपकी बोनेट में बिल्ली है। मैंने कहा अच्छा। फिर हमने बोनेट खोला, उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा डंडे से हटाने की कोशिश करी, भाई निकल जा निकल जा, नहीं निकली नहीं निकली। फिर हमने छोड़ दिया उसको, हमने सोचा चलो अभी सुबह 10 बजे की बात है, ये सुबह 9-10 बजे की बात है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, डरी हुई है मैं भी। मैं कहा कितनी बड़ी बिल्ली है? तो मैम फुल ग्रोन बिल्ली है। तो मैंने कहा कि चलो निकल जाएगी अपने आप। तो मैंने हमने उनको छोड़ दिया, बोनेट बंद कर दिया कि नीचे से निकल जाएगी। एंड देन मैं शाम को 5 बजे वहां जाने लगी, मेरी डांस क्लास होती है, मैं वहां जाने लगी। तो क्या कहते हैं, मैंने बोनेट खोला, मैंने देखा देख लेते हैं बिल्ली निकले कि नहीं, कहीं मैं वो चला दूं गाड़ी फ्राई हो जाए बिल्ली अंदर ही। तो बिल्ली अंदर ही थी। ठीक है, आई एम गेटिंग 320 मार्क्स इन बायो अंश, वेरी गुड। तो बिल्ली अंदर ही थी। अब मैंने लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई मेरी बिल्ली निकाल दो यार, इसमें बिल्ली फंसी हुई है। तो हमने उसको और निकालने की कोशिश करी, डंडे से निकालने की कोशिश करी, नहीं निकला। पानी डाला उसके ऊपर, नहीं निकली। फिर गाड़ी पे जैक लगा के और टायर निकाल के एक बंदे ने ऐसे नीचे से हाथ घुसा के बिल्ली को निकाला। तो वो बिल्ली एक्चुअली छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, वो इतना था निकुजा। अब उसके लगी हुई थी चोटें, जो कुत्तों ने उसके पीछे किया उसके ऊपर चोट लगी थी। फिर देन जो हमने डंडे से हटाने की कोशिश की उस डंडे की भी चोट लगी हुई थी, उसकी स्किन छिली हुई थी। तो मैंने कहा यार ये तो मर जाएगी ऐसे। फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई, वहां उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया। फिर वो कहते हैं अभी इसको 3 दिन इसका इंजेक्शन का कोर्स चलेगा। फिर मैं उसको घर लेके आई। फिर तब से लेके अभी तक मैं उसका सामान खरीद रही हूँ, ठीक है, जो उसको खाने के लिए चाहिए होता है, जो उसको रहने के लिए चाहिए होता है। मेरी बैंड बज गई है। बाथरूम में अभी मैंने उसका बेड लगाया हुआ है, वहां बैठी हुई है। जो ये रहा सामने, जो ये मेरे पास बैठा हुआ है डॉग, मेरे पास ही है, पाल लो उसको भी। हाँ शुरू कर देते हैं, ये घर की जगह जू बना देते हैं। लाओ शुरू करते हैं क्लास। तो मैं इसलिए थोड़ी सी थकी हुई हूँ। हाय, फिर मैंने सोचा यार पहले आज फ्रॉग वाली क्लास कैंसिल हो गई, क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा भैया आईपैड से, क्या बकवास है ये। हो गया हो गया हो गया बच्चों। तुम्हें कुछ नहीं आता? आ जाएगा आ जाएगा। तुम कॉकरोच पढ़ रहे थे? आओ, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिए थे? वॉइस लो है? अरे वॉइस किसको लो आ रही भैया, वॉइस सही आ रही है? वॉइस सही है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे भैया, पिछली क्लास में हमने किया था कॉकरोच, कॉकरोच की बेसिक मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ ली थी। मॉर्फोलॉजी होती है ऊपर से देखने में कोई चीज कैसी लग रही है। तो हमने शक्ल सूरत पढ़ ली थी, फिर माउथ पार्ट्स पढ़ लिए थे, कितने सेगमेंट्स होते हैं ये सब पढ़ लिए थे, ठीक है जी। अब हम पहुंचे थे उसके बेसिक सिस्टम्स पे, जिसमें से मैंने तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम करा दिया था। और डाइजेस्टिव सिस्टम के नीट के क्वेश्चंस भी करा दिए थे, और यहाँ बेसिक मॉर्फो भी नीट के क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे आज तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब मुझे तुम लोगों को पढ़ाना यार, काहे ईको आता है तुम लोगों को, किस किस को ईको आ रहा है? और किसी को ईको आ रहा है? एक तबस्सुम को ईको आ रहा है।
बताओ। ईगो नहीं, ईको। हम कॉकरोच क्या पढ़ना है, इसका इलाज करेंगे क्या? क्यों पढ़ना है यार, अभी बताया था सुबह क्यों पढ़ना, फिर भूल जाते हैं बच्चे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उठ के। अरे बच्चे एमएससी बीएससी जुअलॉजी एमएससी जुअलॉजी करते हैं, ठीक है। अब सुनो सुनो, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ लिए हैं, अब अपने को इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम करना है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम करना है, नर्वस सिस्टम करना है, बेसिकली सारे सिस्टम करने हैं इसके, ठीक है। तो क्यों ना कर ही लिए जाए बेटा, करने ही लगे हैं, तो आओ रेस्पिरेशन देखते हैं। अच्छा मुझे अपने बारे में कुछ बातें बताओ, मेरे को कुछ बातें बताओ ह्यूमंस के बारे में। तुम्हें तो पता है सारे ह्यूमंस को जो है हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तुम्हें तो पता है कोई भी सेल है उसको ऑक्सीजन चाहिए, ह्यूमन सेल, या ह्यूमन सेल क्या, किसी भी सेल को ऑक्सीजन तो चाहिए, किसी भी सेल को बेसिकली एनर्जी चाहिए। तो ह्यूमंस में या किसी भी एनिमल में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है उसको हम जला देते हैं, जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, बर्न कर देते हैं, और बर्न करके उसमें एनर्जी निकाल देते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में निकालते हैं, एटीपी के रूप में, प्लस एक वेस्ट गैस प्रोड्यूस कर देते हैं CO2। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो ये प्रोसेस लिखे हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ जरा। ओ ब्रीदिंग नहीं कहते हैं अमृता, पिटोगी। सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेटा जितना जीवित ऑर्गेनिज्म है सब में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। किसी में ऑक्सीजन के साथ होता है, किसी के में ऑक्सीजन के बिना होता है। जिनमें ऑक्सीजन के बिना होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन के साथ होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमेलिया की बात करें, तो सब में ऑक्सीजन चाहिए होती है। भाई यार मैं मर जाऊंगी, मेरे घर में इतने जोई नालायक कुत्ते, रुको मैं इसको बाहर छोड़ आती हूँ, पढ़ने नहीं देगा। देख रहे हो तुम क्या कर रहा है, दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ये देखो कहाँ गया, दिख रहा है ये मेरे ड्रेसिंग टेबल में मुंह मार रहा है बैठ के। एक मिनट मैं इसको बाहर छोड़ आती हूँ, नहीं तो ये मुझे पढ़ाने नहीं देगा, ठीक है। हाँ मेकअप करना चाहता है, मेकअप खाना चाहता है बेसिकली मेरा, रुक जाओ नालायक कुत्ते, इधर क्या कर चलो तुम्हारी ऐसी कर देंगे, तुम नहीं चलोगे तो ये देखो आलू खाओ बैठ के जाओ। हाय ये देखो मेरा नया बैच बेटा कल से शुरू हो रहा है, प्लांट किंगडम का, जो बच्चे पूछ रहे हैं, सुबह 7 बजे क्लास है। सुनो तो सेलुलर रेस्पिरेशन तो होती है, अभी ऑक्सीजन कहाँ से आती है बेसिकली, है ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है। ह्यूमंस में बात करें तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, नोज से लेते हैं हम ऑक्सीजन, सांस लेते हैं ना, है ना, यहाँ से सेल लेते हैं ऐसे से, ऐसे करके ये ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, ऐसे होता है ना। बाहर से एयर लेते हैं तो एयर में तो ऑक्सीजन भी होती है, तो ये एयर जो है विद ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करती है। फिर अब हम इसको सेल में पहुंचाना है, तो क्या होता है कि यहाँ से ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन यहाँ से ट्रेवल करती है, ठीक है। और O2 मेनली कैसे ट्रेवल करती है, यहाँ पे आरबीसी नाम का सेल होता है, आरबीसी नाम का सेल होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के पति की तरह होता है। यहाँ पे
हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के जाती है गले मिलके, ठीक है। आरबीसी एक कार की तरह है, तो कार में अपने पति की जब्फी पाके ये मूव करती है। फिर जब सेल्स को देने का वक्त आता है, अब बॉडी में तो सेल्स ही सेल्स हैं, बॉडी में तो सेल्स ही सेल्स हैं, तो ऑक्सीजन कहती है नहीं पति देव, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन क्या है, हम जबरदस्ती करके इस ऑक्सीजन को सेल्स को दे देते हैं, और फिर यहाँ पे इन सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाती है। तो बेसिकली हियर ब्लड के अंदर पड़ा हुआ आरबीसी के अंदर पड़ा हुआ हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं, बोलो ये बात है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बोलो, है ना। लेकिन अब क्या है, हमारे अंदर जो ह्यूमंस हैं उनमें इस तरीके का ट्रांसफर होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को पहुंचती है, लेकिन कॉकरोच के अंदर ऐसा नहीं होता। अब देखो कॉकरोच को भी रेस्पिरेशन तो, मतलब कि सांस तो, ऑक्सीजन तो चाहिए ही, है ना। ओ अपने नई मैसेज बनाते रहा करो बैठ के, तो ये बैठो कोई मैसेज नहीं कर रहे, तो हम बोल रहे हैं सुनो ध्यान से, ऐसी गप्पे मारते रहते हैं, सुनो। तो ऑक्सीजन तो अब कॉकरोच के सेल्स को भी चाहिए, बट दिक्कत ये होती है कि कॉकरोच की अगर सर्कुलेशन की बात करो तो कॉकरोच की सर्कुलेशन ना बहुत ही प्रिमिटिव है। सर्कुलेशन क्या, ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली, इट इज वेरी प्रिमिटिव, पुराने प्रकार की सर्कुलेशन है। कैसी सर्कुलेशन है, इट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, मान लो जैसे कि ये हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट से ब्लड आ गया, हार्ट से ब्लड आ गया आर्टरी में, ये आर्टरी ऐसे ना जैसे खुला वो होता है ना ट्यूबवेल, वहां से ऐसे ब्लड ऐसे फेंक देगी, मतलब कि कोई नो कैपिलरीज, नो कैपिलरीज। देखो ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है बता रहे हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब हार्ट ब्लड को पुश करता है आर्टरी में, बिगेस्ट आर्टरी में, तो ये यहाँ से छोटी आर्टरीज में जाता है ब्लड, छोटी छोटी आर्टरीज में जाता है, फिर ये ऑर्गन्स में जाती है। मान लो ये भी कोई भी ऑर्गन है, मान लो किडनी है, मान लो ये लिवर है, कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, तो उसके अंदर ब्लड छोटी छोटी ट्यूब्स में बहता है, ऐसे खुला नहीं घूमता, छोटी छोटी ट्यूब्स में बहता है। इन ट्यूब्स को हम कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी। और फिर इन छोटी छोटी ट्यूब से ऑक्सीजन जो है वो यहां से बाहर निकल के इन सेल्स में जाती है, मतलब ब्लड कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता सेल्स के। देखो सेल के कांटेक्ट में नहीं आया ना, ब्लड तो इसके अंदर बह रहा है ना, ब्लड तो इसके अंदर बह रहा है ना, यहाँ से तो सिर्फ ऑक्सीजन निकल के आ रही है और जो न्यूट्रिएंट और जो भी चीजें आनी है वो आ रही है। तो ब्लड एक्चुअली नेवर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सेल्स, है ना, और यहाँ से गंदी सी CO2 उठा के ये इसमें भर लेता है वापस, CO2 उठा के इसमें भर लेता है, सेल CO2 प्रोड्यूस करते हैं ना, देखो मैंने दिखाया था ना यहाँ पे दिस वेस्ट गैस, ये जो प्रोड्यूस होती है इसको निकालना तो है ही है। तो यहाँ से CO2 प्रोड्यूस होती है, अब ये क्या है, डीऑक्सीनेटेड हो गया ब्लड, अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से कलेक्ट होगा, कुछ यहाँ से कलेक्ट होगा, फिर ये हार्ट के पास वापस चला जाएगा, इस तरीके से। इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड एक पाइप से दूसरी पाइप में जाता रहेगा, बट वो कभी भी खुला नहीं घूमेगा, पाइपों से बाहर नहीं आएगा। समझ में आ गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जवाब दो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया कि ब्लड यहां से चला आर्टरी में गया, कैपिलरी में गया, उसके बाद वेन में गया, लेकिन कभी भी खुला नहीं घूमा। तो इससे क्या होता है, अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन रहता है, प्रेशर जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वो अच्छा खासा रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत एफिशिएंट हो जाता है, मतलब कोई ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि प्रेशर में काम हो रहा है ना। कॉकरोच के साथ ऐसा नहीं है, कॉकरोच का क्लोज्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब पता है कैसे, कॉकरोच की बॉडी में, तो मैं दिखाती हूँ, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम अभी पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, लेकिन सुनो कॉकरोच का
ऐसे बॉडी होती है, जो डिवीजन होती है ना कॉकरोच की, जो प्रोथोरिक्स मेटाथोरिक्स ये सब वाली बात होती है, ये डिवीजन जो है बाहर बाहर से दिखती है, कॉकरोच के अंदर कोई डिवीजन नहीं है, अंदर पूरा एक ही ऐसे सेगमेंट है, एक अंदर कैविटी है, ठीक है। इस कैविटी को बोलते हैं हीमोसील, हीमो सील, ठीक है। और कॉकरोच का जो हार्ट है वो इसकी पीठ पे पड़ा होता है, जैसे हमारा हार्ट तो आ गया ना, इसका पार्ट पीछे पड़ा होता है, तो यहाँ पे इसका हार्ट है 13 चेम्बर्ड हार्ट है बेटा इसका, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 चेम्बर्ड हार्ट है। तो होता क्या है कि ब्लड इस यहाँ पे ना छेद होते हैं ऐसे दोनों साइड पे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे छेद होते हैं, इन छेदों को ऑस्टिया बोलते हैं, प्लूरल सिंगुलर में ऑस्टियम प्लूरल में ऑस्टिया, तो ना सॉरी डकार के लिए सॉरी, ऐसे हर जगह छेद होते हैं, समझ रहे हो। तो पहले ब्लड इसमें अंदर घुसता है ऐसे, यहां से अंदर घुसता है, फिर ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पीछे से आगे ब्लड ऐसे ट्रांसफर होता है, पीछे से आगे की तरफ ब्लड पुश होता है, फिर ये ब्लड यहां से ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस इज द आर्टरी, दिस इज द आर्टरी हियर। लेकिन अब आगे कैपिलरीज नहीं है, अब आगे कैपिलरीज नहीं है, ठीक है। तो ये यहां से घूमता हुआ, यहां से घूमता हुआ वापस हार्ट में ऐसे घुस जाएगा, तो इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो यहीं पे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा हुआ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़े थे ना, बोलो, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, कुछ याद है, मिड गट, हाइंड गट, एनस, ऐसे है। दैट मीन्स द ब्लड, ऐसे हम ब्लड भी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं हीमो लिम्फ, हीमो लिम्फ बोलते हैं ना, हीमो लिम्फ बोलते हैं ना, ए बताओ, हाँ बेटा बता रहे हैं, यूट्यूब के लिए बात करेंगे, हाँ हीमो लिम्फ बोलते हैं इस फ्लूइड को, हीमो लिम्फ बोलते हैं। तो क्या ये हीमोलिम्फ या ब्लड ऑर्गन्स के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहा है, सेल्स के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहा है? ऑस्टियम वो छेद है श्रेया, जिसके अंदर जैसे हार्ट के साइड में छेद होते हैं, बताती हूँ। चलो पहले तुम्हें सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ाती हूँ, रेस्पिरेशन बाद में करेंगे, पहले सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ध्यान से पढ़ लेते हैं। हीमोसील क्या होगा बेटा? सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, जैसे कि ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच अंदर से खाली है ना ऐसे, यहाँ इसकी लेग्स हैं, ठीक है, ये इसकी बॉडी वॉल है, ये इसकी बॉडी वॉल है। तो बेटा इस कैविटी के अंदर, ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर सारा स्ट्रक्चर्स पड़े हैं ना, सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, तो इस कैविटी को हीमोसील बोलते हैं बेटा, हीमोसिलोम पूरा नाम है, हीमो सिलोम पूरा नाम है, हीमो सिलोम, समझ रहे हो, हीमोसिलोम। हमारी बॉडी में भी ऐसी कैविटी है, तुम्हें क्या लगता है ह्यूमंस में नहीं है? अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन यहां से अंदर पूरा खाली होता है, ड्रम की तरह, यहाँ पे पूरी कैविटी होती है हमारे ऐसे, इसको भी सीलोम बोलते हैं, हीमोसिलोम नहीं कहते, सीलोम कहते हैं, सीलोम का मतलब कैविटी, बॉडी कैविटी। तो वैसे कॉकरोच में भी होती है, लेकिन हमारा ब्लड बॉडी कैविटी में नहीं बहता, हमारा ब्लड बॉडी कैविटी में नहीं बहता, हमारा ब्लड कैसे बहता है, यहाँ से हार्ट से निकलता है, ऐसे जाता है, यहाँ पे हमारे ऑर्गन पड़े होते हैं, जो भी एक्स वाई जेड ऑर्गन पड़े होते हैं उनमें जाता है, उनमें जाता है ऐसे करके, और फिर यहाँ पे कैपिलरीज में जाता है, पतली पतली कैपिलरीज में जाता है, ऑर्गन के अंदर कैपिलरीज में जाता है, और फिर यहाँ से वेन से कलेक्ट हो जाता है, और फिर हार्ट में वापस चला जाता है ऐसे। तो हमारा ब्लड तो कैविटी में नहीं भरा, हमारा ब्लड तो हमेशा ट्यूब के अंदर ही है, कैविटी होता है स्पेस, खाली स्पेस, अखिल। तुम तो कतई नए बच्चे हो क्या, प्लस वन के बच्चे हो क्या, अभी नए नए से, तभी इतना बेचारे परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो, बायोलॉजी एक ऐसी चीज है, बायोलॉजी बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी, एनसीईआरटी, सलमा, तुम लोगों को वैसे मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ, बट क्योंकि तुम्हारा नया सेशन कल से शुरू है और मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे नीट पढ़ने वाले हैं अभी कल के बैच में, प्लस के बैच में, तो मैं बता ही देती हूँ।
अटेंड माई लेक्चर, मेक नोट्स इन क्लास। मैं भी एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ ठीक है क्लास में, लेकिन फिर भी रीड एनसीईआरटी, मेक फेयर नोट्स। जो मेरे साथ क्लास में लिखा है उसको फेयर करो और एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें डालो। हो गया थर्ड पॉइंट। पीवाईक्यूज में तुम्हें क्लास में करा देती हूँ, टेक फिंगर टिप्स। कौन सी फिंगर टिप्स है ये? एमटीजी की बुक है, एनसीईआरटी एट माय फिंगर टिप्स पूरा नाम है। एमटीजी की बुक है, एनसीईआरटी एट माय फिंगर टिप्स ये पूरा नाम है। इसमें हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, देन पास्ट ईयर क्वेश्चन पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन मैं क्लास में भी करा देती हूँ। समझ में आ गया? और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। सब्सक्रिप्शन लेने में प्रॉब्लम आ रही है मानसी, इस नंबर पे कॉल कर लेना बेटा कल, 9877426811, वो आपको सब्सक्रिप्शन दिला देंगे, 9877426811। अब सुनो, क्या तुम्हें मॉड्यूल्स पढ़ने हैं? नहीं। क्या तुम्हें दिनेश की बुक पढ़नी है? क्या तुम्हें कोई और प्रदीप की बुक पढ़नी है? क्या तुम्हें कोई और बुक पढ़नी है? नहीं। क्या तुम्हें एलन आकाश के मॉड्यूल्स लगाने हैं? नहीं। क्या तुम्हें कोई और टॉर्टोरा, कैम्पबेल, गाइटन कोई बुक पढ़नी है? नहीं। एमटीजी एक ब्रांड है बेटा। क्या तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करना है? नहीं। ठीक है, जो इस बार के आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आए हैं वो जनरली उस सेक्शन में आए हैं जो 15 क्वेश्चन में से 10 करने हैं, तो आप वैसे भी छोड़ सकते हो। दो, अब दो सेक्शन हो गए ना, एक 35 क्वेश्चन का मैंडेटरी होता है, एक 15 ऑप्शन होता है, 15 में से 10 करने होते हैं। ज्यादातर जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वो इसमें आए हुए हैं। कितने आउट ऑफ सिलेबस थे? आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे आई थिंक, अभी जब हमने सॉल्व किया था 2 या 3 क्वेश्चन थे, उसमें से भी वो 15 में से थे। जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गया है, आपको क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ो, समझो। समझोगे कैसे? मेरे लेक्चर लगा के। बिना लेक्चर लगाए एनसीईआरटी नहीं समझ सकते, एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी बिना लेक्चर लगाए, मुझे पता है क्योंकि मैं कोशिश कर चुकी हूँ जब मैं बच्ची थी, बिना टीचर के नहीं समझ में आता। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, समझो। समझो किससे? लेक्चर से मेरे। रटो, रटो कैसे? रिवीजन से, बार बार रिवीजन से, शॉर्ट नोट्स से। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, कितनी बार रटनी है? 10 बार, सिर्फ तुम्हारा ये टारगेट है। रटना हम सिखा देंगे, चिंता नहीं करो, हमारे साथ पढ़ो, ऐसे रटना सीख जाओगे, तुम मुझे सिखाया करोगे रटना, मैम ऐसे रट सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे नहीं पता कैसे करना है। ठीक है, पहले सीखो समझो फिर रटो, क्योंकि रटना है। कॉन्सेप्ट्स नहीं रटने पर अजीब अजीब से नाम है, कुछ है रटना पड़ेगा। हेल्पलाइन नंबर है सलमा, लिखो बेटा, 9877426811, 9877426811। अनअकैडमी अपना कोई बुक्स प्रोवाइड करता है? अनअकैडमी में बेटा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, आइकॉनिक एक सब्सक्रिप्शन होता है, अगर आप वो लेते हो तो आपको नोट्स, आपको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आपके घर भेजी जाती है। ठीक है जी, आइकॉनिक के लिए भी कोड डाल देना RITU, अभी तुम्हें 20% ऑफ मिल जाएगा, अभी ले लो 17 सितंबर से पहले। और कुछ नहीं पढ़ना, और कुछ नहीं पढ़ना, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं पढ़ना एनसीईआरटी के अलावा, अपने कमरे में लिख लो लगा के, एनसीईआरटी माता है और हमें कुछ नहीं आता है। 26811 है अकेले, 26811 है, सिर्फ एनसीईआरटी आनी है। ठीक है, अब सुनो, पर एनसीईआरटी को समझना है, सुनो।
क्या बता रही थी यार मैं, तुमने सब ऐसी तैसी फेर दी। हाँ तो बॉडी इसकी, कॉकरोच की भी बॉडी में कैविटी है, इसकी बॉडी को हीमोसिलोम बोलते हैं। इसकी कैविटी के ऊपर इसका दिल पड़ा है। दिल में कितने चैम्बर्स हैं? दिल में कितने चैम्बर्स हैं अभी बताए तो जल्दी बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बॉडी में एम्प्टी स्पेस कैसे होता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, है। हाँ हार्ड कॉपी मतलब बुक, तो बस ठीक है। इस हर चेम्बर के दोनों साइड पे छेद हैं बेटा ऐसे, ताकि ब्लड हार्ट में कहां से घुसेगा? तुम्हें क्या लगता है, पीछे से घुस जाएगा? पीछे से तो बंद है, ब्लड कहीं से घुसना भी तो चाहिए हार्ट में, तो बेटा यहां से घुसेगा ना, ये साइड में छेद है हमारे पास, हर चेम्बर में दो छेद है। ऐसा 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 ऐसा। इन छेदों को क्या नाम दिया जल्दी बोल दो। ऑस्टिया, ऑस्टिया प्लूरल है, ऑस्टियम सिंगुलर है। तो बेसिकली कैसे सर्कुलेशन होती है उसकी, मैम नहीं समझा। बॉडी में क्या होते हैं मैम नहीं समझा? बॉडी में तो सेल्स ही सेल्स हैं। अखिल देख मेरे बच्चे, इधर देख, बॉडी में सेल्स ही सेल्स हैं, ये बॉडी है, लेकिन ये कैविटी भी है बेटा, कैविटी भी है। इसके अंदर ऑर्गन्स पड़े हैं जिनमें सेल्स ही सेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया, यहाँ पे किडनी भी पड़ी होगी ना, यूरिनरी सिस्टम भी तो पड़ा होगा, यहाँ पे किडनी पड़ी होगी, फिर किडनी से यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है ना, यहाँ से सारे ऑर्गन पड़े होंगे, देन यहाँ पे कहीं लंग्स भी तो पड़े होंगे है ना, यहीं पे कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो पड़ा होगा। तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, वो जो ऑर्गन्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। हाँ सलमा करेंगे, समझ रहे हो? तो सेल्स ऐसे ही नहीं पड़े हुए, कोई दीवार थोड़े हुए बना रहे हो तुम कि पूरा ऐसे चिन्ह दोगे अंदर से सेल्स, नहीं बेटा, ऑर्गन्स में। और यहाँ पे एक फ्लूइड है इनके बीच में, इन सब के बीच में एक फ्लूइड तैरता है, इनके बीच में एक फ्लूइड तैरता है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड। ये ऑर्गन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता, ये मैं ह्यूमंस की बात बता रही हूँ, ये मैं ह्यूमंस की बात बता रही हूँ। अगर आप कॉकरोच में आओगे तो बेटा कॉकरोच के पास भी एम्प्टी स्पेस है, वहां उसके सारे स्ट्रक्चर पड़े हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम सिखाया था, अभी सिखाया था कि नहीं सिखाया था तुम बताओ, पिछली क्लास में। यहाँ से भाई ऐसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से खाना एंटर करता है क्रॉप में, गिजार्ड में, मिडगट में है ना, फिर हाइंड गट में, फिर यहाँ से पॉटी के रूप में अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। तो इसके अंदर ही तो सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं ना, है ना, इसके अंदर ही तो सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। तो बेटा इस कैविटी में सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। सिलोमिक फ्लूड की कॉम्पोजिशन फिर कभी बात करेंगे, मन में अभी नहीं बात करेंगे। तो इसका ब्लड कैसे होता है, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। इसका ब्लड हार्ट में एंटर करता है इन पोर्स के थ्रू, ऐसे एंटर करता है, हर चेंबर में एंटर कर जाता है, हर चेंबर में एंटर कर जाता है इस पोर के थ्रू, कुछ ऐसे। पीछे से बंद है, पीछे से नहीं एंटर कर सकता। जब हार्ट में पूरा भर जाए, जब हार्ट में पूरा भर जाए, फिर हार्ट पच्च करके पंप करता है और ये ब्लड आगे मूव करता है, यहां से मतलब आगे मूव करता है इन द सेंस, समझ रहे हो, इस चेंबर का इस चेंबर में, इस चेंबर का इस चेंबर में, आगे फर्दर, समझ रहे हो, सारा का सारा ब्लड इधर आ जाता है। यहां से कहां जाता है? यहां से एक, देर इज अ ब्लड वेसल हियर, देर इज एन आर्टरी, आर्टरी इज अ ब्लड वेसल। लेकिन आगे अब कैपिलरी नहीं है, किसी भी ऑर्गन में जाने के लिए कैपिलरी नहीं है, ये अपना फ्लूइड जो है यहाँ ऐसे फेंक देता है, जैसे ट्यूबवेल पानी फेंकता है वैसे फेंक देता है, ठीक है, यहाँ ऐसे फेंक देता है। और ये फ्लूइड फिर तैरता हुआ पूरी बॉडी में ऑर्गन्स के ऊपर टच करता हुआ है ना, सेल्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, सेल्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना, कोई कैपिलरी नहीं है, धीरे धीरे फिर से वापस यहाँ से एंटर कर जाते हैं हार्ट में। दिस इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेशन, समझ में आया? व्हाट इज एन ओपन सर्कुलेशन? ऑस्टियम छेद को बोलते हैं। रे अखिल कितनी बार बोला रे, क्या करते हो, सो जाते हो बीच में, दो चार क्या अच्छी नींद लेके 15 मिनट की फिर उठ के पूछते हो है? समझ में आया? ओपन और क्लोज सर्कुलेशन में फर्क पता चल गया क्या है? ओपन
और क्लोज सर्कुलेशन में पता चल गया क्या होता है। क्लोज सर्कुलेशन में कैपिलरी होती है, ओपन में नहीं होती। क्लोज में कभी भी ब्लड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता सेल्स के, है ना, लेकिन ओपन में तो देखो घूम रहा है, मस्त घूम रहा है। अच्छा मुझे बताओ क्या यहाँ अच्छा प्रेशर होगा, क्या यहाँ पे अच्छा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा ना, प्रेशर तो तब बनेगा। अब तुम सोचो यार, एक पाइप में पानी जा रहा है वहां प्रेशर होएगा, या एक तुम्हारे फर्श पे पानी गिरा हुआ है उसमें प्रेशर होएगा? पाइप में जाते हुए पानी में प्रेशर है ना, फर्श में गिरे हुए पानी में प्रेशर कहाँ है? तो बेटा ऑर्गन्स कहते हैं यार ये तो बहुत दिक्कत है, ऑक्सीजन तो हमें बहुत धीरे धीरे मिलेगी क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है। नहीं बेटा, ओपन का कोई एडवांटेज नहीं है मन भी, ओपन सिर्फ एक पुराना टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज प्रिमिटिव, कोई एडवांटेज नहीं है। ओपन भगवान ने सोचा ही मैंने क्या बना दिया, तब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, समझ लो प्रिमिटिव है। तो बेटा प्रेशर नहीं है तो यार ऑर्गन्स तो भूखे मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के, ऑर्गन्स तो भूखे मर जाएंगे, कहेंगे यार ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, ब्लड ही नहीं चल रहा है ना, ब्लड ही नहीं चल रहा। ब्लड और वैसे ही ब्लड चलेगा कैसे? हल्का हल्का सर्कुलेशन में पता कैसे होता है, यहाँ पे कुछ हर उसके साथ चेंबर के साथ यहाँ पे कुछ मसल्स लगी होती हैं जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं, उससे थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, नहीं तो बिल्कुल ही मूवमेंट ना हो हीमोलिम्फ का। तो यहाँ पे ऐसे दोनों साइड पे ऐसे मसल्स लगी होती हैं, ये नीट में आता है क्वेश्चन बार बार कि इन मसल्स को हम क्या कहते हैं जो मैं मसल्स बना रही हूँ। वेरी गुड तौशिद, दीज आर कॉल्ड एलरी मसल्स। ये बेटा नीट एनसीईआरटी के डायग्राम में बार बार क्वेश्चन आता है, एलरी मसल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो थोड़ा बहुत सर्कुलेशन हो रहा है वो ही रिस्पॉन्सिबल है। बेटा इस फ्लूइड को हीमोलिम्फ कहते हैं, ब्लड नहीं कहते, हीमोलिम्फ कहते हैं। एक बच्चे पूछे हीमोलिम्फ क्या होता है, इसी फ्लूइड को कहते हैं। एलरी मसल कितनी होती है बेटा? जैसे हार्ट हमारा जो है 13 सेगमेंटेड हार्ट है, 13 सेगमेंट वाला हार्ट है। एलरी मसल 12 पेयर होती है, लगता है कि 13 पेयर होनी चाहिए बट इट इज 12 पेयर, 13 पेयर लगता है कि 26 तो होनी चाहिए, नहीं बेटा 12 पेयर है, हम चेक किए थे 12 पेयर ही है। एनसीईआरटी स्निपेट एक्चुअली मेरे बच्चे भेज देते हैं ना, एमसी जो बच्चे पढ़ते हैं वही एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स भेज देते हैं, तो मैं कभी लाती नहीं हूँ, बाकी ले आऊंगी अगर बच्चे नहीं भेजेंगे तो। ठीक है, थोड़ी बहुत मूवमेंट एलरी मसल की वजह से थोड़ा बहुत, बट वो इनफ नहीं है मूवमेंट। तो क्या हुआ कि नेचर ने क्या कहते हैं शार्ली, हाँ प्लस सब्सक्रिप्शन लेना तो बेटा एक बार हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना, ठीक है, वहां पे वो तुम्हें हेल्प कर देंगे। तो नेचर ने क्या किया, कहा कि तुम्हें ब्लड को ये रोल ही नहीं दिया कि तुम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो, ब्लड को रोल ही नहीं दिया, ना तो आरबीसी दिए ब्लड में, ठीक है। अगर मैं हीमोलिम्फ की बात करूं, हीमोलिम्फ ही ब्लड है इनका, अगर मैं इसकी बात करूं तो इट हैज नो आरबीसी, एक्चुअली इट हैज नो हीमोग्लोबिन। तो तुम कहोगे यार फिर घूम भी क्यों रहे हो जब तुम्हें नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नो गैशियस ट्रांसपोर्ट, तो यार फिर वो कहते तुम घूम भी क्यों रहे हो अगर तुम्हें कुछ ट्रांसपोर्ट ही नहीं करना। तो कहते भाई रुक जाओ, मैं ये व्हाइटिश इन कलर होता है बेटा, व्हाइटिश होता है क्योंकि आरबीसी तो है, हीमोग्लोबिन तो है नहीं रेड बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है बेसिकली, जो हमारा ब्लड रेड है। तो बोले तुम घूमते भी क्यों बेटा? बेटा थोड़ा बहुत फैगोसाइटोटिक सेल्स होता है इसमें, देर आर सम यू नो, देर आर यू नो फैगोसाइटोटिक सेल्स। अगर कोई मान लो कॉकरोच की बॉडी में बैक्टीरिया घुस जाए, तो मैडम कॉकरोच की बॉडी में बैक्टीरिया क्या करेगा घुस के? भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया को क्या चाहिए? फूड चाहिए, वो तो वहां से मिल सकता है। हीमोसाइट्स बेटा ब्लड सेल्स को ही बोलते हैं, जो ये सेल्स हैं इनको हीमोसाइट्स भी कह सकते हैं, सुबनीत। ठीक है, प्लस और बहुत चीजों का ट्रांसपोर्ट है, न्यूट्रिएंट या वेस्ट ट्रांसपोर्ट, और चीजों का ट्रांसपोर्ट भी तो बहुत कुछ है ना, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट, वो हो जाएगा सब। तेरा चेंबर बेटा, तेरा चेंबर का हार्ट होता है, हीम इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, समझ में आ गया। सो
अब अगर ऑक्सीजन यहां से नहीं आती तो फिर कहां से आती है मैम? हार्ट मायोजेनिक होता है या न्यूरोजेनिक होता है, याद कर दो मेरे को। न्यूरोजेनिक हार्ट होता है बेटा, ह्यूमंस का मायोजेनिक होता है ना, तो इसका न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक न्यूरोजेनिक क्या होता है मैं सिखाऊंगी। अच्छा सुनो, तो अगर सर्कुलेशन अगर वहां से नहीं आती तो मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए ना। अब सेल तो त्राही त्राही करने लग गए, नहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, ऑक्सीजन तो जाती है बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड? इट हैज अ वेरी स्पेशल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन कॉल्ड ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, यू नो, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट हैपेंस इज इसके साइड में छेद होते हैं, बॉडी के साइड में ऐसे 10 छेद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली उस साइड भी होंगे। सो देर आर 10 pairs ऑफ छेद्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इतने चेम्बर का पता नहीं यार क्या फायदा है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? मान लो इसका, मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है, सपोज यहाँ पे कोई ऑर्गन है, कोई ऑर्गन बना लो, यहाँ पे क्रॉप बना लो। क्रॉप जानते हो ना, क्रॉप का क्या फायदा होता है? अभी पिछली क्लास में बताया था, जल्दी बताओ। ए मस्कुलर फेरिंग सृष्टि कहाँ पढ़ी हो तुम? नेमेटोडा में नहीं पढ़ी हो? फूड स्टोरेज का है, फूड स्टोरेज होता है क्रॉप में। तो बेटा क्रॉप है, मान लो ये गिजार्ड है, तो ये सेल्स से बने हुए हैं कि नहीं बने हुए बताओ? ये सेल्स से बने हुए हैं, सेल से बने। तो ऐसे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो यहां से क्या होता है, ये ऑक्सीजन को डायरेक्ट पैसेज देते हैं। ये कहते हैं आइए हजूर, आओ हजूर तुमको सितारों में ले चले। ये क्या कहता है, हम आपको डायरेक्ट रास्ता देंगे मैडम, आपको कहाँ ब्लड में जाने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट रास्ता मिलेगा। ठीक है, इस रास्ते को बोलते हैं ट्रेकिया, जैसे कि हमारे ट्रेकिया होता है। और फिर यहां से पतली पतली टेब्यूल्स, पतली पतली टेब्यूल्स ऐसे होती हैं हर एक में, हर एक में, हर एक में, जिनको बोलते हैं ट्रेकियोल्स। ट्रेकियोल जैसे हमारा, तो ह्यूमंस में तो क्या होता है, ट्रेकिया होता है, उसके बाद ब्रोंकाई आ जाता है ना, तो इसमें ट्रेकिया के बाद ट्रेकियोल्स हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मान लो यहाँ कोई सेल पड़ा है, तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन जंप मार के, जैसे होम डिलीवरी होती है ना चीजों की, जैसे खाने की होम डिलीवरी है एट योर डोर स्टेप। ठीक है, सो उस तरीके से यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है ऑक्सीजन की, समझ रहे हो? ऑक्सीजन कैन जंप, एक्चुअली क्या होता है, इतना डिटेल में एक्चुअली मैं इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ तुमको क्योंकि तुम लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड होता है, एक्चुअली देयर इज सम फ्लूइड हियर। पहले उस फ्लूइड में डिफ्यूज होती है, पहले इस फ्लूइड में डिफ्यूज होती है, फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन जहां पे है तो वहां से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में तो मूव करेगी ना, पहले इसमें मूव करके फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। बोर्ड नहीं दिख रहा बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो बोर्ड, क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? हीमोलोम बेटा फ्लूइड होता है और छोटे मोटे सेल्स होते हैं, फैगोसाइट, कुछ नहीं होता, सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा है, सिंपल डिफ्यूजन से, नॉर्मल डिफ्यूजन से। समझ रहे हो? ट्रेक्यूलर सिस्टम समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं तुम लोगों को, स्पाइरेकल्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, 20 होते हैं, 10 पेयर होते हैं, ऐसे ऑप्शन आएंगे। हालांकि 20 और 10 पेयर का तो ऑप्शन नहीं आएगा, सेम ही बात है। फिर पाथ ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, स्पाइरेकल्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ट्रेक्यूल्स, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, भी तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें बताना है नहीं ट्रैकियोल्स है, फिर ऑर्गन। ठीक है, देन यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ये बंद भी हो जाते हैं, दीज कैन बी क्लोज्ड, दे हैव अ स्फिंक्टर, आई थिंक होता है स्फिंक्टर, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं देखो। हाँ हाँ है स्फिंक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी रेस्पिरेशन होती है, क्लियर? कोई स्क्रीनशॉट भेजा है तुम में से, कोई स्क्रीनशॉट भेजे हैं एनसीईआरटी के? बोलो,
मेरा बैच बेटा, एक बच्चा पूछ रहा, ड्रॉपर्स के लिए बेटा शुरू हो रहा है। एक तो ये जो प्लांट किंगडम पढ़ा रहे हैं कल से, ये भी ड्रॉपर्स लगाएंगे, ठीक है। फिर 22 से एक और बैच शुरू हो रहा है, वो प्लस टू का पहला यूनिट कराऊंगी, सब ड्रॉपर्स के लिए है वो। वैष्णवी 356 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे 360 में से, क्या बात है वैष्णवी, कंग्रेचुलेशंस। तुम नहीं भेजो बेटा कोई भी, एनसीईआरटी नहीं भेजो तुम लोग, फिर क्यों पढ़ रही हो? ए मेरे को बताने आई है वो कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, नालायक बच्चे है, कोई आके बता, तुम्हें बहुत बुरा लगता है बेटा? एनसीईआरटी नहीं है, अभी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कोई बात नहीं, घर से पढ़ लेना, नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट दे दूंगी, हालांकि मेरी हिम्मत है नहीं अभी स्क्रीनशॉट देने की बिल्कुल भी। बेटा ये है पेज नंबर 113 है, पेज 113 में है ये बातें सारी, प्लस वन में, ठीक है। यूट्यूब पे बेटा कल मेरी पहली क्लास है, जो बच्चा पूछ रहा है, यूट्यूब पे कल 3 बजे क्लास है, लेट्स क्रैक न्यू ट्यूजी पे। टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम इज रितु रतेवाल, जाओ वहां पे उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे लिंक डाल दिया है, 3 बजे कल फ्रॉग की क्लास है, ठीक है जी। अब बात हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की, बात हो गई सर्कुलेटरी सिस्टम की, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब बात कर लेते हैं अपा थोड़ी सी इसके इसके नर्वस सिस्टम की। अब देखो, जो इसका नर्वस सिस्टम है, जो इसका नर्वस सिस्टम है, वो ज्यादातर जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनसे कॉमन है। देखो कुछ नॉन कॉर्डेट्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूरॉन्स है ही नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे जो पॉरीफेरा वगैरह होता है ना। अब देखो तुम एनिमल किंगडम नहीं पढ़े हो तो उसमें तुम नहीं समझ पाओगे मैं क्या कह रही हूँ, बट चिंता मत करो, जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे सब कुछ रिलेटेड है ना आपस में, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जैसे कुछ तो बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, उनमें तो न्यूरॉन्स होते ही नहीं, फिर जिनमें होते हैं वो थोड़ा सा कम डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जैसे प्लैटीहेलमिन्थीज तक जाते जाते लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आ गया था, और फिर आगे डेवलप होके ये अब उसके मतलब डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब ईसोफेगस होता है ना, जहाँ पे कॉकरोच का, मान लो ये कॉकरोच है, यहाँ कॉकरोच का ईसोफेगस आ रहा है ना, यहाँ ईसोफेगस है, इसके ऊपर कुछ न्यूरॉन्स पड़े होते हैं बेटा, देर आर सम न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कैसे दिखते हैं ऐसे, ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं, ये इनके एक्सॉन्स हैं, तो ये बेटा ईसोफेगस के अराउंड ऐसे नो ऐसे घेरा बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं। क्या भेजा है अनमोल तुमने? पेरिविसिरल। अब कराते नहीं है करने का, पेरिविसिरल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस, पेरी न्यूरल साइनस, अब नहीं कराते क्योंकि पहले अब क्वेश्चन नहीं आता है, पहले कराती थी मैं, जैसे कि ना जैसे जो एक कॉकरोच की बॉडी है, जैसे एक कॉकरोच की बॉडी है ना, जब नर्वस सिस्टम जब ये कराते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तब मैं पहले बताती होती थी कि इसकी जो बॉडी कैविटी है वो ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ऐसे पतले पतले से वेफर जैसे रखे होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ऐसे। तो यहाँ पे हार्ट पड़ा होता है, यहाँ पे सबसे ऊपर हार्ट पड़ा होता है ना, तो इस कैविटी को पेरी कार्डियल साइनस बोलते हैं। पेरी मतलब होता है अराउंड, पेरी का मतलब क्या होता है बेटा जल्दी बोलो, पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड। पेरी कार्डियल मतलब कार्डियल के अराउंड, हार्ट के अराउंड, तो बेटा इस कैविटी को पेरी कार्डियल साइनस कह देते हैं। पर अब नीट में नहीं आता है तो काहे तुम पढ़ना चाहते हो? तो ब्लड पहले यहाँ से निकल के पेरिकार्डियल साइनस से घुसता है, पहले हार्ट के अंदर ऐसे पेरिकार्डियल साइनस से ऐसे घुसता है, ठीक है, फिर यहाँ जाता है हेड की कैविटी में, फिर यहाँ से नीचे जाता है। अब क्या है सारे, अच्छा तुम बताओ तुम्हारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जो तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, समझते हो क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम, समझते हो वो डॉर्सल साइड पे है कि वेंट्रल साइड पे, बताओ? तुम्हारा मेजर जो नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल साइड पे है कि वेंट्रल साइड पे? डॉर्सल साइड पे है ना, पीछे यहाँ पे है ना। तो बेटा कॉर्डेट्स, अपा कॉर्डेटा है ना, अपा कॉर्डेटा है ना, कॉर्डेट
कॉर्डेटा एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं, नॉन कॉर्डेटा पुराने एनिमल्स होते हैं। तो जो आपका कॉर्डेटा है ना, अपनी जो नर्वस सिस्टम है वो डोर्सल साइड पे होता है और इनका हमेशा वेंट्रल साइड पे होता है। तो इसका जो जितना नर यहाँ पे जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ इसका नर्वस सिस्टम बड़ा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम पड़ा होता है वेंट्रल साइड पे, इसलिए इसको पेरी न्यूरल साइनस कह देते हैं, पेरी न्यूरल साइनस कह देते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लूइड यहाँ पे आके फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा होता है बीच में, यहाँ पे सारे विसीरल ऑर्गन्स पड़े होते हैं, इसलिए इसको पेरी विसीरल साइनस कह देते हैं। बट मत लर्न करो बेटा, अब नहीं आता है, अब नहीं आता है, क्या करोगे लर्न करके, बस मॉड्यूल ही सॉल्व कर पाओगे। नीट में तो फालतू में जितना तुम बेटा बायो से दिमाग बचा लोगे ना, उतना तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा लगा लोगे। साइनस का मतलब भी कैविटी होता है बेटा, साइनस का मतलब भी कैविटी होता है। पेज की फोटो भेज दिया अनमोल, चलो देखते हैं, ठीक है। बायो में जितना हो सके दिमाग कम यूज करो, कोई फायदा नहीं है दिमाग लगा के, जितना कम लगाओगे उतना अच्छा। जितना जितना मैं कह रही हूँ पढ़ लो उतना उतना पढ़ लो, जितना मैं कह रही हूँ लर्न कर लो लर्न कर लो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन लर्न करनी है अपने को, और कुछ नहीं, उससे बाहर नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। दो क्वेश्चन आते हैं, छोड़ दो छोड़ दो, ऑप्शनल में आएंगे, छोड़ दो, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे भी न्यूरॉन पड़े होते हैं जिनके साथ ये साइनैप्स करता है। साइनैप्स करता है समझते हो, मतलब साइनैप्स करने का मतलब समझते हो, इनको अपने सिग्नल बताता है, इनको अपनी बातें बताता है। यहाँ पे भी न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, यहाँ पे पड़े होते हैं, इन न्यूरॉन्स के एग्जॉन यहाँ पीछे गए होते हैं, यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे और भी न्यूरॉन्स पड़े होते हैं ऐसे ऐसे, फिर इनके ऐसे पीछे गए होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ये पीछे जाते रहते हैं ऐसे। और ये कुछ न्यूरॉन्स के ऐसे भी आते हैं, कुछ न्यूरॉन्स के ऐसे भी आते हैं, आपस में भी ऐसे करते हैं, ठीक है। सो कुछ न्यूरॉन्स यू नो पीछे फेंकते रहते हैं अपने एक्सॉन ऐसे ऐसे, और कुछ न्यूरॉन्स इधर से आपस में भी ऐसे बात करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी है, इसके वेंट्रल साइड पे ऐसा लगता है कि सीढ़ी पड़ी हुई है ना, सीढ़ी पड़ी हुई है, सीढ़ी जैसा लग रहा है। इसी को लैडर लाइक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये पहचान होती है नॉन कॉर्डेट्स के नर्वस सिस्टम की। नॉन कॉर्डेट्स का नर्वस सिस्टम हमेशा वेंट्रल होगा, लैडर लाइक होगा, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। देखो इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर है ना, ये इसको नर्व कॉर्ड कहते हैं, जो एक्सॉन से बना हुआ स्ट्रक्चर है नीचे, इट इज अ बेसिकली नर्व कॉर्ड। अब ये नर्व कॉर्ड कैसी है, इट इज वेंट्रल, इट इज डबल, इट इज सॉलिड, इट इज गैंग्लियोनेटेड। इसका मीनिंग क्या है मैं बता रही हूँ, नर्व कॉर्ड। ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि नॉन कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड कैसी होती है। सॉलिड का मतलब समझ में आ गया, बीच में देखो हमारी जैसे ह्यूमंस की नर्व कॉर्ड बताए कैसी होती है। ह्यूमंस का जब नर्वस सिस्टम बनने लगता है ना, ह्यूमंस ह्यूमंस बेटा कोई बात नहीं, फिंगर टिप्स में जो एनसीईआरटी से बाहर है वो छोड़ दो। ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम है वो बनता है एक ट्यूब से, ऐसे खाली ट्यूब होती है, ये ह्यूमंस की नर्व कॉर्ड होती है। अब ह्यूमंस की नर्व कॉर्ड कैसी है, ह्यूमंस क्या है, कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा एडवांस वाले एनिमल्स होते हैं, नॉन कॉर्डेटा प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। तो हमारी जब होती है ये डॉर्सल साइड पे पड़ी होती है, ये सिंगल होती है, ये हॉलो होती है, अंदर कैविटी है इसके, स्पेस है, ये देख रहे हो, ये स्पेस है, नॉन गैंग्लियोनेटेड होती है। नॉन गैंग्लियोनेटेड का मतलब क्या है बेटा, ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनको गैंग्लिया बोलते हैं। जैसे ये दिस इज गैंग्लिया, ठीक है, जैसे कि दिस इज गैंग्लिया, दिस इज गैंग्लिया, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है ना, उसके उसके ग्रुप को देखो। न्यूरॉन ऐसे होता है ना, न्यूरॉन में क्या पार्ट होते हैं, देखो न्यूरॉन के बेसिक पार्ट्स ही होते हैं। न्यूरॉन क्या है, बेसिकली नर्व सेल, नर्वस सिस्टम का सेल, ये फूल जैसा लगने वाला है, एक्चुअली इट इज अ सेल। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड सेल बॉडी, दिस कॉल्ड एक्सॉन। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को गैंग्लिया कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है। तो अब क्योंकि ये ईसोफेगस के ऊपर है, क्योंकि ये ईसोफेगस के ऊपर है, सो दिस इज ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है। तो इसको मैं बोलती हूँ सुप्रा ईसोफेजियल, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, इसी को ब्रेन भी कह देते हैं,
इसी को ब्रेन कह देते हैं। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? सब ईसोफेजियल। नहीं बेटा, सिर्फ बायोलॉजी का नहीं ले सकते मैक्स टेबल आप, ठीक है? लेकिन क्या इतना कम प्राइस है? जितना आप सिर्फ बायोलॉजी का पे करोगे उतने में तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तुमको दिक्कत क्या? मत पढ़ना बाकी सब्जेक्ट। 2022 में पेपर कैसा होगा? इजी, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है? इसको बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, क्योंकि नीचे है ना ये, तो मैं यहां यहां लिख सब ईसोफेजियल, लिख लोगे ना ऐसे, समझ रहे हो मैं क्या लिख रही हूँ? गैंग्लिया, वो सुपरा ईसोफेजियल है, सब ईसोफेजियल। ये वाला नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड कैसी है? वेंट्रल, वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे डबल दो नर्व कॉर्ड्स हैं, सॉलिड, कोई कैविटी नहीं है। गैंग्लियोनेटेड, देखो यहाँ पे गैंग्लिया पड़े हुए हैं। गैंग्लिया क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, ठीक? ये गैंग्लिया है, नर्व कॉर्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन कॉर्डेटा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नॉन कॉर्डेटा का। अब जैसे ह्यूमंस में ये बिल्कुल ही सेपरेट है, मैंने तुम्हें दिखाया था, ह्यूमंस जो कॉर्डेट्स हैं बिल्कुल ही सेपरेट है। क्या होता है पता है नर्व कॉर्ड का? क्या होता है? नर्व कॉर्ड आगे जाके ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे करके ब्रेन बन जाता है, और ये पीछे वाला, दिस बिकम्स आवर ब्रेन एंड दिस बिकम्स आवर स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम नहीं, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। यही हमारा बेसिक नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, और इससे फिर यहां से ऐसे नर्व्स निकलती हैं, बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, ठीक है? अगर मैं एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ाऊं, देखती हूँ एक बच्चा कह तो रहा है, उसने भेजी है, अनमोल ने भेजी है, कह रहे हैं स्कैन करके भेजनी है, ऐसे नहीं भेजनी बेटा। कहाँ हो अनमोल तुम? होने होने को है क्या? होने होने को है क्या? अरे अनमोल कैसे पढ़ाएंगे यार, तुमने क्लियर नहीं फोटो भेजी है, चलो थोड़ी थोड़ी भेजी है, लाओ देखें। ये नहीं है, इसमें कोई डाउट है क्या? ये तुम लोगों को दिख रहा है कुछ? तुम लोगों को दिख रहा है कुछ? लाओ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लें फिर, अगर दिख रहा है तो। अगर नहीं दिख रहा तो अपनी खुद की एनसीईआरटी खोल लो, है ना? आओ, तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम, ताकि तुम्हें पता चल जाए जो मैं पढ़ा रही हूँ वही है, ठीक है? व्हाट आई एम टीचिंग इज इन दी एनसीईआरटी, व्हाट इज इन दी एनसीईआरटी आई एम टीचिंग, इट इज नथिंग डिफरेंट, इट इज जस्ट दिस, ओके? सो यू सी दिस डायग्राम, 12 पेयर्स एलरी मसल, ये इस बच्चे ने लिखा भी हुआ है, चेम्बर्स ऑफ हार्ट यहाँ पे लिख लो, 13 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है जी? ये एलरी मसल है, देख रहे हो? ये एलरी मसल है, कितनी बनाई हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही बनाई हुई है, 12 पेयर ही है, ठीक है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ऑफ ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स आर पोअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोसील, विसीरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथ इन द ब्लड, ब्लड मतलब हीमोलिम्फ, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, हीमोसाइट्स क्या? ब्लड सेल्स जो फेगोसाइटोटिक वगैरह है ना? हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चेम्बर्स, कितने? 13 लिख लो, विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड, ब्लड फ्रॉम साइनसिस, साइनसिस का मतलब कैविटीज, ठीक है? एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन,
रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तुम लोगों को आ गया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। लेटरल मतलब साइड में, ठीक है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स ट्रेकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रेकियोल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स। साइनस का मतलब कैविटी 50 बार बता चुके हैं, लिख लो कहीं पे, लिख लो बच्चों, लिख लो। अर्थवर्म पढ़ाऊंगी बेटा, पढ़ाऊ, समझ गए? देखते नर्वस सिस्टम कोई भेजे हैं क्या। है ये तो सुप्र का मतलब होता है ऊपर, AIR1। सब का मतलब होता है नीचे, ठीक है। नहीं, इसके 13 चेम्बर्स के कोई नाम नहीं है जसप्रीत, जैसे ह्यूमन हार्ट के और एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक बच्ची ने कुछ पूछा है, क्या करते रहते हो बच्चों तुम लोग? एक बच्चे ने नोट्स भेजे हैं अपने, लाओ तो मैं नोट्स, इतने इतने वो क्यों भेजे हैं छोटे, लाओ थोड़ा बड़ा करके दिखा ले। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, पर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, तो मैं नोट्स थोड़ा सा और क्लीन करो। अच्छे हैं नोट्स तो तुम्हारे, अच्छे हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है ये नोट्स। अच्छे बेटा, थोड़ा और साफ लिखो, जैसे कि इतने पार्ट में लिख दिया ना। अच्छा, तुम बेसिकली स्कोर इसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा और खुला लिखो, थोड़ा और खुला लिखो, ठीक है, थोड़ा और खुला लिख दो बेटा, तो ज्यादा और सुंदर बन पाएंगे, ठीक है। हाँ, आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, ठीक है। अभी मेरी हिम्मत थोड़ी सी कम है, आज थक गई मैं। चलो ठीक है, ओके, आई विल सी यू। मैं इसकी एक और क्लास लगा के कॉकरोच खत्म कर दूंगी। पोल अभी नहीं, मन नहीं है अभी पोल पोल कराने का यार, बस अब बस करो। बिल्ली को भी देखना है जिंदा है कि पता नहीं क्या कर रही है मैडम, ठीक है। डॉगी को भी फूड डालना है, समझ रहे हो जिंदगी में। चलो कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, आई विल सी यू एट 7 AM टुडे। जो प्लस के बच्चे हैं, ऑन प्लस फॉर प्लांट किंगडम, एंड प्लांट किंगडम के मैं पहले लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स कल कराऊंगी, तो है ठीक। चलो बाय, आई विल सी यू, थैंक यू।